हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीगरन विजन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, जो कि वैसे तो आप सबको टाइटल पढ़ के भी पता चल गया होगा, बट मैं आप सबको बता दूं कि मैं आज रिक्रिएट करने वाली हूं अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए जो लुक मैंने वेयर करी थी ना, मैं उस लुक को आज रिक्रिएट करने वाली हूँ इन बेटर वर्जन, या आई कैन से कि इन माय वर्जन जो मैं लुक क्रिएट करती, मैं वही वाली लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अब आप हो गए होंगे थोड़ा सा कंफ्यूज कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो लुक मैंने उस दिन अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए वेयर करी थी ना, वो एक्चुअली मैंने सलून से करवाई थी किसी, एंड आई वॉज़ नॉट दैट मच हैप्पी फ्रॉम दैट लुक, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया उस लुक में, मैं ये बात कहूँ कि मुझे मज़ा नहीं आया उस लुक में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बेटर वर्जन जो मैं वेडिंग पे वियर कर सकती थी, मैं वो वाला बेटर वर्जन लेके आऊँ आप सबके साथ एंड दिखाऊँ कि अगर मैं खुद से तैयार होती तो मैं कैसे लुक क्रिएट करती उसी वाली सेम लुक को। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, एंड गाइस मेरी इस वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है द वीगरन विजन, एंड उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा, आप उस पर भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस हो वो आप सबको मिलती रहे। चलते हैं आप वीडियो की तरफ फटाफट से, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ। एंड गाइस, मैं ना आज आप सबके साथ बातें भी करती जाऊंगी और मेकअप लुक भी क्रिएट करेंगे हम, तो मैं ना अपनी स्किन को थोड़ा सा हल्का सा प्रेप कर लेती हूँ। वैसे मैंने सब कुछ मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर रखा है, बट द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, उस करके ना स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहने लग गई है अब, तो मैं ना यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए गुड वाइब्स का ग्रेप सीड स्किन टाइटनिंग फेशियल ऑयल। ये वाला फेशियल ऑयल ना मैंने स्पेशली विंटर्स के लिए ही मंगवाया है, तो मैंने सिर्फ इस वाले ऑयल को सिर्फ एक टाइम ही यूज़ करा है, उसके बाद मैंने इस वाले ऑयल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, तो आज करके देखते हैं इसे यूज़। और अगर आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो प्लीज़ आप ना ऑयल्स यूज़ करा करिए, जो कि होते हैं फेशियल ऑयल्स अपनी स्किन के लिए, उससे ना स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और स्किन पे जो ड्राइनेस हो जाती है या ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं उनसे काफ़ी इन जैसे ऑयल्स से काफ़ी हद तक दूर हो जाती है वो वाली सारी चीज़ें। तो यू कैन ट्राई दिस ग्रेप सीड फेशियल ऑयल, ये वाला फेशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार ट्राई करा था मैंने तो पता चल गया था कि अच्छा है या नहीं। तो मैं फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ। ग्रेप सीड फेशियल ऑयल है ना, ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आपके फाइन लाइंस वगैरह होनी शुरू हो गई हैं तो आप ये वाला जो फेशियल ऑयल है ना ग्रेप सीड, इसे आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे पैराबिन सल्फेट फ्री होते हैं एंड एज वेल एज क्रुएलिटी फ्री भी होते हैं, तो आप बिना किसी डर के गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने प्रेप तो करा है अपनी स्किन को, तो इसलिए मैं दूंगी अपनी स्किन को थोड़ा सा टाइम, ताकि जो मैंने ये वाला ऑयल फेशियल ऑयल अप्लाई करा है ना, ये मेरी स्किन में सिंक इन हो जाए अच्छे से। तो अब ना फटाफट से मैं उतनी देर तक अपनी आईब्रोज को ही फिल कर लेती हूँ पहले, क्योंकि हम आईज़ ही पहले करने वाले हैं, एंड जब मैं मेकअप करवाने गई थी ना उन्होंने भी आईज़ ही मेरी पहले करी थी, एंड मुझे ना उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगी एक्चुअली ना, उन्होंने ना ही स्किन को अच्छे से प्रेप करा, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो असेंशियल स्टेप होता है वो होता है हमारी स्किन को प्रेप करना। हमारी स्किन को अगर हम तैयार ही नहीं करेंगे हमारे मेकअप के लिए, तो ऑब्वियसली बात है हमारा मेकअप केक ही होने वाला है आगे, तो वही मेरे साथ भी हुआ था। मेरा फुल बेस जो था ना वो बुरी तरह से केकी हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ एक लेयर ही लगाई थी मेरे फेस पे फाउंडेशन की, तो आई वाज वेरी अपसेट, तो करके मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं पहले अपनी आईब्रोज करने लगी हूँ, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की शेप माई ब्रोज किट। मेरे पास ना एक लोती है, तो करके मैं हर एक वीडियो में यही वाली किट को यूज़ करती हूँ, एंड बहुत जल्दी मैं एक और आईब्रो किट मंगवाने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कब मंगवाएंगे वो। फटाफट से मैं अपनी आईब्रोज को कर लेती हूँ कॉम्ब,
तो आज हम जो वेडिंग गेस्ट मेकअप करने जा रहे हैं, तो आईब्रोज को फुली थिक करने वाली हूँ आज मैं। अब मैं फिर से यूज़ करने वाली हूँ मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इल्यूमिनेटिंग या हाइलाइटिंग प्राइमर कह सकते हो आप इसे, रियल मेकअप बेस्ड विज ब्यूटी का, तो वही वाला अगेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला। इससे ना बड़ा ही अच्छा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है एंड एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्लो करती है। आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कर देता है ये। एंड इसमें मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, कोई भी चमकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, विद इन ग्लो सा प्रोवाइड करने वाला ये वाला हाइलाइटिंग प्राइमर है, तो मुझे तभी करके बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फटाफट से आईलिड्स को कर लेती हूँ मैं प्राइम, एंड देन उसके बाद हम करते हैं आई मेकअप। मैं अपनी आईलिड्स को प्राइम करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, जो कि है फोटो फोकस कंसीलर। ये वाले कंसीलर में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकली स्मेल आती है, इसीलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इस वाले कंसीलर को, बट अच्छा है कंसीलर नो डाउट। अब मैं अपनी आईलिड्स को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोर पैलेट। इसमें ना एक पाउडर शेड भी दिया हुआ है, तो मैं इसी वाले शेड को लूँगी। एंड दिस पैलेट इज वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप। एंड मेरे ना आउटफिट में ना पिंक की एम्ब्रॉयडरी है सारे पे, बट है मेरा आउटफिट जो है वो स्काई ब्लू इन शेड में है, तो करके मैं ना पिंक आईज ही रखने वाली हूँ अपनी, वो भी सॉफ्ट पिंक। देखते हैं कि कैसे क्या हो पाता है अभी। तो मैं ले रही हूँ ये निका के का बर्थडे केक वाला पैलेट, एंड इसमें से ना ये वाला जो लाइटेस्ट पिंक शेड है ना, इसे एज अ ट्रांजिशन शेड लूँगी। तो मैं अपनी क्रीज लाइन में इस वाले शेड को अप्लाई करूँगी, एंड दीज पैलेट्स आर जस्ट ऑसम, यू कैन सी द पिगमेंटेशन ऑफ दिस कलर। मेरी दोनों आईज़ पे मैंने सेम कलर डिपॉजिट कर लिया है, एंड अगेन मैं ले रही हूँ एनके का ये बर्थडे केक पैलेट। एंड इसमें से ना ये वाला जो डार्क पिंक शेड है ना, अब इस वाले शेड को लूँगी, एंड क्रीज में ही अप्लाई करते हैं इस वाले शेड को। सेम वही वाला लाइट शेड ले रही हूँ, एंड क्रीज पे जहाँ पे मैंने ये वाला शेड अप्लाई करा था, अगेन मैं वहीं पे अप्लाई करूँगी इस वाले शेड को, एंड अच्छे से डार्क एंड लाइट पिंक को मिक्स कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ एनके का सेम शुगर प्लम पैलेट, इसमें सेम वो मैं ले रही हूँ ये वाला पिंक शेड, एंड इसे ना अपनी फिंगर से ही अपनी आईलिड पे अप्लाई करेंगे इस वाले शेड को। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक टर्न्ड आउट हुई है सिर्फ पिंक्स को यूज़ करके। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबिलिन न्यूयॉर्क का जेल आईलाइनर, इस बाबिला की ब्रश से, जो कि है आईलाइनर ब्रश, इसी से हम विंग क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ड्रामेटिक विंग नहीं क्रिएट करूँगी, बहुत ही सिंपल से विंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश ही करती हूँ नहीं तो बड़ी विंग क्रिएट हो जाती है हर बार ही मुझसे। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा, जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबिलिन का द कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा। तो ये वाला मस्कारा लूँगी, एंड अपनी आईलैशेस को कर लेते हैं कोट इस मस्कारा से। अब
एक्ने ना ब्रोबोनीरिया को हाईलाइट कर लेती हूँ एंड उसके लिए ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइट जो कि है प्रीशियस पेटल इन द शेड। अब मैं अप्लाई करके आती हूँ फॉल्स आई लैशेज एंड उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। अब मैं अपनी आई लैशेज भी कर रही हूँ ऑन एंड अब मैं यूज करने वाली हूँ ये लैक्मी एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर जिसे मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ तो देखते हैं कि कैसा होता है। ज्यादा ही निकल गया मुझसे। प्राइमर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है एंड इसने सीरियसली बहुत ही स्मूद है ये वाला प्राइमर, मेरी स्किन को ना बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया इसने एकदम से। अब मैं ना अपनी अंडर आईज पे पहले काम करूंगी तो मैं ना यूज करने वाली हूँ ये NYB का ऑरेंज करेक्टिव इन द शेड 10, तो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ। स्टिक ऑरेंज करेक्टर है तो मैं अपनी फिंगर से ही लूंगी। अब मैं सेम कॉन्टो वाला पैलेट ले रही हूँ एंड इसी से ना अपने अंडर आईज है ना उन्हें सेट कर लेती हूँ पहले मैं। अब मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ ये वाली लोरियल पेरिस की जो कि है इनफॉलेबल 24 आवर फाउंडेशन, आई थिंक मैट कवर फाउंडेशन है। इसमें मेरा जो शेड है 101.5 नेचुरल आइवरी है, यहाँ पे शेड नंबर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना इसे मिक्स करूंगी इन द सीरम। अब मैं अपनी अंडर आईज को कंसील करने के लिए यूज कर रही हूँ ये वाला वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। अब मैं अपनी अंडर आईज को फटाफट से सेट भी कर लेती हूँ इस मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ही। अब मैं यूज करने वाली हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टो पैलेट एंड इसमें से जो ये वाला कॉन्टो शेड है ना इस वाले शेड को लूंगी एंड फेस की करेंगे कॉन्टोरिंग हम। अब मैं ना ब्लश के लिए यूज करने वाली हूँ ये वाला शुगर का पैलेट जिसमें 02 है मेरा शेड विविड विक्ट्री, तो इसमें से ये वाला पिंक अंडरटोन शेड लेने वाली हूँ ब्लश के लिए। तो फटाफट से अप्लाई करते हैं ब्लश। अब मैं यूज करने वाली हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। तो फटाफट से फुल फेस को कर लेते हैं हाईलाइट। अब मैं अपनी आईज को भी कर लेती हूँ कंप्लीट। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी ये निका के शुगर प्लम में से ये वाला शेड जो कि है अगेन पिंक कलर। अब मैं ना ले रही हूँ ये वाला स्विस ब्यूटी का इंटेंस जेल काजल जो कि है वाइट इन द शेड जिसका नेम है पर्ली वाइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप नेम, एंड इसे मैं अपनी ना वाटर लाइन में अप्लाई कर लूंगी। अब मैं अपनी लोअर लैशेस पे कर लूंगी ये वाला मस्कारा अप्लाई जो कि है मेबेलिन का कलोसल वाला मस्कारा। अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लेती हूँ इसी सेम वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइटर से। एंड अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये पर्पल की म्यूजिकल चेयर टाइम्स 7 शेड लिपस्टिक का, दिस इज अ लिप क्रेयॉन एक्चुअली। तो फटाफट से इस वाले शेड को अप्लाई करते हैं। अब मैं ना इसे थोड़ा सा लाइट करने के लिए यूज करूंगी ये मेबेलिन की लिक्विड लिपस्टिक। अब मैं अप्लाई करूंगी ये वाली सेटिंग स्प्रे वेट एंड वाइल्ड की जो कि है फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे, एंड इससे क्या होगा कि हमने जो भी मेकअप करा है ना वो एक जगह पे इंटैक्ट रहेगा। तो अप्लाई कर लेती हूँ इसे मैं।
सो गाइज अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरी फाइनल लुक में. सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक. आई होप कि आप सबको मेरी ये वाली रिक्रिएशन अच्छी लगी होगी जो कि थी इन बेटर वर्जन. एंड आई होप कि आप सबको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन माई दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर माई दिस वीडियो टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है द वीगर एंड विजन बाय कोमल. एंड उसके साथ एक बेल बटन भी होगा, आप उस पर भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियोज की अपकमिंग नोटिफिकेशन हो वो आप सबको मिलती रहे. एंड अब मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय गाइज एंड थैंक.